इस तरह के सॉक्स को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। इस तरह से हमें 22 फंदे 22 फंदे इसमें डालने हैं। ये देखें, इस धागे को हमने इस तरह से मोड़ा, यूं किया, ये देखें, और ये वाले को इसके अंदर, और फिर इसे यूं खींच लिया। बस इस तरह से आप 22 फंदे डाल लें। मैंने 22 फंदे इसमें डाले हैं। अभी हम इसको बुनना शुरू करते हैं। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हमें ये वाला फंदा जो है ऐसे ही बाहर निकालना है, उसके बाद इसको बुनना शुरू करना है। इसी तरह हमें उल्टी सिलाई ये भी कंप्लीट करनी है। ये देखें, इसी तरह से फ्रेंड्स हमें 40 जो 40 जो है सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, और ये वाले जो लाइनें बन रही हैं ये 20 बनेंगी, बना लेनी है। ये देखें, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये 40 सिलाइयाँ मैंने डाल ली हैं, और ये वाली जो लाइनें हैं ये 20 बन गई हैं। ये देखें, यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो ये 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हैं। अभी हम इसमें कलर चेंज करेंगे। अगर आपको ये चीज़ जो है ऐसे नहीं करना, तो फिर आप ऐसा करें, जितनी इसकी चौड़ाई है यहाँ से उतनी इसकी लंबाई बना लें। हमें ये स्क्वायर शेप में चाहिए, इस तरह से चौरस। अभी हम इसमें कलर चेंज करेंगे।
ये जो फ्रेंड्स धागे हैं ये हमें काट देने हैं। ये जो पहले वाला ऑरेंज कलर था ये भी, और यहाँ से बस इतना सा रख के हमें काट देना है इसको। अभी हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। जितना ये हमने बुना है इतना ही हम क्रीम कलर बुनेंगे, और ये धागों को इस तरह से बांध देना है यहाँ पर। अभी हमें क्रीम कलर की भी 40 लाइयाँ डालनी हैं और ये लाइनें जो हैं वो 20 बन जाएंगी। ये देखें मैंने क्रीम कलर भी बुन लिया है। अब देखें ये दोनों एक समान हैं। ये देखें जितना ऑरेंज कलर है उतना ही हमने क्रीम बनाया है। इसी तरह से फ्रेंड्स स्क्वेयर ये शेप हम देते हुए इसको बुनते जाएंगे, ऑरेंज क्रीम फिर ऑरेंज फिर क्रीम। इस तरह से हमें इसके 5 स्क्वेयर पीस बना लेने हैं, 1 2 3 4 5। अभी हम इसको जो है बंद करना है यहाँ से। ये पीछे वाले फंदे को इस तरह से हमें नीडल में उतारना है और आगे वाले का धागा इस तरह से खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से सारी सिलाई को हम यहाँ तक बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से इसे बंद कर दिया हमने, और ये जो फ्रेंड्स धागे हैं ये वाले, इसको हमें क्रोशिए की मदद से इस तरफ डाल देना है सबको, क्रीम कलर को क्रीम कलर की तरफ और ऑरेंज को ऑरेंज की तरफ इस तरह से। ये देखें
देखिए इसका पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर हमने जॉइंट किया था। इसी तरह से हम क्रीम को इस तरफ डाल देना है। ये देखिए हमें ये दो पैटर्न तैयार कर लेने हैं। एक में 3 डब्बे बनाने हैं, 1, 2, 3, और एक में 5 डब्बे तैयार करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अभी जो धागों की कटिंग की थी हमने, ये देखिए वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। अभी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए ये वो साइड है जहाँ से हमने धागों को, यहाँ से हमने धागों को काटा था। ये देखिए मैं एक दूसरे के ऊपर इसको रख के यूँ यहाँ से सिलाई हम इसकी शुरू करेंगे। ये जो क्रीम कलर की लाइन है और ये ऑरेंज कलर की लाइन है, इस दोनों को यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सारा हम सिलेंगे। देखिए इस तरह से ये लाइन से लाइन को मिलाना है। ये ऑरेंज कलर की लाइन है और ये क्रीम कलर की है। अभी ये देखें यहाँ से फिर से ये क्रीम कलर की लाइन है और ये हमारे पास ऑरेंज कलर की लाइन है। यूँ लाइन से लाइन को मिलाते हुए हम सिलते जाएंगे।
ये देखिए, यहाँ से पकड़कर हमें इसको इसके साथ ऐसे मिलाना है। अभी ये सिलाई यहाँ से यहाँ तक करनी है। ये देखें, इसको हमें इसके साथ सिल देना है। यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। ये देखें, अभी हमें इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। ये देखें एक बार फिर से, ये हमने यहाँ से शुरू किया, भी देखें
अभी ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है, यहाँ से शुरू की थी यहाँ तक। अभी ये देखिए ये जो है ये वाला कोना, इसको हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। ये जो साइड है फ्रेंड्स, ये यहाँ से पाँव अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से इसको इसके साथ मिलाते हुए और यहाँ तक हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से सीनवाई जो है सीना शुरू करेंगे। यहाँ तक
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें यहाँ तक सिलाई करनी है. यहाँ से शुरू किया, यूं करते हुए यहाँ तक. ठीक है, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है. यहाँ से यहाँ तक हमने सिल लिए. ये वो हिस्सा है जहाँ से पाँव अंदर की तरफ जाएगा. ये बनकर तैयार हो गया. यहाँ पर हम कोई भी आप क्रोशिए से फूल बनाकर भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह से कोई बटन को भी यहाँ पर हम इस तरह से लगा देंगे.
के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें ये बनकर तैयार हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।